आज हम सीखेंगे कंप्यूटर में डेट और टाइम किस प्रकार से सेट किया जाता है। कंप्यूटर में डेट और टाइम सेट करने के लिए टास्क बार के राइट साइड की विंडो में राइट साइड की ओर आपको डेट और टाइम का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो डेट और टाइम की विंडो आपको दिखाई देगी। यहाँ से डेट और टाइम को बदलने के लिए चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग पर क्लिक करें, जिससे डेट एंड टाइम का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सबसे पहले इसमें हमें टाइम जोन सेट करना पड़ता है। चेंज टाइम जोन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिखाई देगी जिसमें अलग अलग देशों के टाइम जोन दिए जाते हैं। यहाँ से यदि आप इंडिया के निवासी हैं तो आपको ये टाइम जोन चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, इसे सिलेक्ट करके ओके करना होगा। उसके बाद चेंज डेट एंड टाइम ऑप्शन में जाएंगे। चेंज डेट एंड टाइम ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करके फरवरी 2018 जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करके आप अलग अलग साल के हिसाब से, अलग महीने के हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। जैसे अभी 2018 क्लिक करेंगे, फरवरी क्लिक करेंगे और आज है 3 तारीख पर क्लिक करेंगे, जिससे ये हमने अभी यहाँ पर डेट सेट कर दी है। अब टाइम सेट करने के लिए जैसे अभी बज रहे हैं 3, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया और इसे, ये जो आपका कर्सर यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसे पॉइंट से हमने इसे नीचे ऊपर करके स्पिन कर्सर से, स्पिन बॉक्स से इसे हमने 3 पे सेट किया। 30 को हम वापस 0 पे सेट कर देते हैं क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं। और टाइमिंग में AM और PM, जैसे 12 बजे दिन के 12 के बाद PM स्टार्ट हो जाता है, तो इसे हमने PM सेट कर दिया। सेट करने के बाद आप ओके बटन पे क्लिक करें, देन अगेन ओके बटन पे क्लिक करें, जिससे आपने जो भी टाइम और डेट यहाँ पे सेट किया है वो सही तरीके से दिखाई देने लगेगा। विंडोज 7 आपको एक और स्पेशल टूल देता है जिसे हम गैजेट बोलते हैं। यदि आप गैजेट में डेट और टाइम के लिए आप घड़ी अपनी स्क्रीन पर लगाना चाहते हैं, तो इसे लगाने के लिए आप राइट क्लिक करें, गैजेट ऑप्शन में जाएं। गैजेट ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ गैजेट्स यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसमें कैलेंडर है, क्लॉक है। इन दोनों को आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे साइड में आप सेट कर सकते हैं या कहीं पर भी डेस्कटॉप पे सेट कर सकते हैं। इसे लगाने के लिए आपको सिर्फ इस गैजेट पे डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने इस गैजेट पे डबल क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैलेंडर का ऑप्शन राइट साइड में दिखाई देने लगा। इसी प्रकार से क्लॉक में भी आपको डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने क्लॉक में डबल क्लिक किया, ये आपको क्लॉक भी यहाँ पर दिखाई देने लगी। इस प्रकार से आप टाइम और डेट को सेट भी कर सकते हैं, एवं यहाँ पर आप डेस्कटॉप पे टाइम और डेट के लिए कैलेंडर और वॉच यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं।